प्रदेश में लापता महिलाओं और लड़कियों की संख्या बेहद चौंकाने वाली है। जनवरी 2023 से मई 2023 तक 5 महीने की अवधि में राज्य में 5,610 महिलाएं और लड़कियां लापता हो गई है। इनमें से करीब 2,200 महिलाएं और लड़कियां मार्च महीने में लापता हो गई। महाराष्ट्र में हर दिन औसतन 70 महिलाएं लापता हो रही है। पुणे शहर में लापता होने वाली लड़कियों और महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। इसी पृष्ठभूमि में सरकार ने मौजूदा मॉनसून सत्र में इस मुद्दे पर निशाना साधा। कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा कराने का अनुरोध भी किया गया। नियम 57 स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय अतिशय महत्वाच्या विषयावर नियम 57 स्थगन प्रस्ताव मांडलेला आहे अध्यक्ष महोदय। महाराष्ट्रामध्ये जवळजवळ जानेवारी 23 ते मे 23 पर्यंत अध्यक्ष होते 5,610 मुली आणि तरुणी आणि महिला बेपत्ता झालेल्या आहेत अध्यक्ष महोदय। मार्च महिन्यामध्ये एका महिन्यामध्ये 2,022 मुली अध्यक्ष होते एका महिन्यामध्ये मार्च 23 मध्ये बेपत्ता झालेल्या अध्यक्ष महोदय। दिवसाला सरासरी 70 तरुणी आणि महिला बेपत्ता महाराष्ट्रामध्ये होत आहे। पुणे शहरामध्ये अध्यक्ष महोदय सर्वात जास्त 2,858 तरुणी आणि महिला बेपत्ता झाल्या अतिशय चिंताजनक बाब आहे अध्यक्ष महोदय। म्हणून या मुली तरुणी आणि महिला बेपत्ता होण्याच्या बाबतीत अध्यक्ष महोदय कामकाज थांबून आपण याच्यावर सविस्तर चर्चा घ्यावी स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून अशी माझी आपल्याला विनंती आहे। NBC न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिज देशमुख की रिपोर्ट।